हम जयपुर से हैं, मेरा नाम हितेश है, उनका नाम अंतिम है। हमको ये यूट्रस में फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम 8 महीने से हमको पता चली है, और इसमें हमको मेरे वाइफ को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी। हमने होम्योपैथी की दवाई भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसका कोई इफेक्ट हमको लगा नहीं सही। हमने उसके पहले हमने SMS में भी गए थे, और जनाना हॉस्पिटल में गए थे, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए थे, और फिर इनका साल भर तक हमने वेट किया कि चलो इसको होम्योपैथी से हमारा ठीक हो जाएगा। फिर हमको लगा कि ये तो प्रॉब्लम बढ़ रही है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर इसके बाद हम डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और मैन्युअली ऑपरेशन करेंगे। तो हमको लगा कि ये नहीं आ रही तो वो तोड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर हमने नेट पे हमने सर्च किया, और फिर ये हमने दूरबीन से ऑपरेशन का हमने सुना था, तो हमारे रिलेटिव से भी पता चला, तो ये बेटर है कि मैन्युअल से अच्छा रहेगा। तो फिर हमने इसको सर्च किया, और हमने गूगल जयपुर में हमने देखा जयपुर में कहाँ पर सबसे बेटर है, तो फिर हमने ये दूरबीन करके हमने टाइप किया गूगल में, और हमने सर्च किया, तो सुशीला सैनी जो डॉक्टर हैं, इसकी स्पेशलिस्ट हैं, और इनमें एक्सपीरियंस 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उनको, और काफ़ी केस उन्होंने मतलब सॉल्व किए, सक्सेसफुली ऑपरेशन किया उन्होंने। तो हमने डिसाइड किया कि इनके पास जाना चाहिए, तो हम 4-5 डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने के बाद अल्टीमेटली हमने सोचा कि इनके पास जाना चाहिए, और फिर हमने यहाँ पर आए, और उन्होंने हमें सही सलाह दी, और अभी हम कल हमारा ऑपरेशन हुआ है, और परफेक्टली हैं, बिल्कुल हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मेरी वाइफ खा रही है, पी रही है, और चल रही है, और अभी ये खुद ही बताएंगे आगे क्या है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे को ज़्यादा कोई इसमें दर्द वगैरह हुआ नहीं। मैं आज सुबह उठ के चली भी सही, और अपने सारे नॉर्मल काम कर रही, मेरे को ऐसे ज़्यादा कोई दर्द वगैरह हुआ नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। और हम सजेस्ट करते हैं कि यदि आपको यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लेप्रोस्कोपी वाला ऑपरेशन ही कराएं, दूरबीन वाला ऑपरेशन ही कराएं, और सुशीला सैनी के वहीं कराएं, बहुत अच्छा, इनका व्यवहार भी अच्छा है, और आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और सब अच्छे से हमारी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा है हॉस्पिटल। थैंक यू।